डही में होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह आयोजन घटिया और गुणवत्ता विहीन सामग्री पाए जाने पर अचानक ही प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया। एसडीएम कोक्षी नवजीवन पवार द्वारा डही जनपद कार्यालय पहुंचकर विवाह के एक दिन पूर्व पहुंची सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराई गई। जांच के दौरान सामग्रियां गुणवत्ता विहीन पाई गई, जिसे लेकर इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। उसके बाद रात में अचानक से आयोजन को निरस्त कर दिया गया। अचानक रात में आयोजन निरस्त होने पर कई लोगों को इसकी सूचना नहीं मिली। सुबह से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे। जब उन्हें पता चला कि कार्यक्रम निरस्त हो गया है, ऐसे में उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ज्ञात हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन मनावर में हुआ था। डही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। भैया, क्या मामला था जिसको लेकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो कार्यक्रम होना था डही में, उसको 12 घंटे पहले निरस्त किया गया? देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। डही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी होनी थी। 12 घंटे पहले हमारे एसडीएम कुक्षी, नायब तहसीलदार डही कहीं जाते हैं और सामान जो सामग्री जो जोड़ों को देनी है उसकी जांच करते हैं। गुणवत्ता विहीन सामग्री पाई जाती है और प्रशासनिक अमला निर्णय लेता है कि ये जो शादियां हैं उसको निरस्त की जाए। अच्छा काम किया, पर इस काम को करने में प्रशासनिक अमले ने देरी क्यों की? पहली जो तारीख तय हुई 9 तारीख दूसरे महीने की, सामग्री आ गई होगी, जांच की जा सकती थी उसी वक्त। अगर गुणवत्ता विहीन सामग्री उसी वक्त जांच हो जाती तो 15 तारीख जो तय हुआ था सरकार की तरफ से, वो शादी हो जाती। 9 तारीख को आपने सूचना करी सभी जोड़ों को, शादी निरस्त कर। 25 तारीख दूसरे महीने की फिर आपने तय करी, फिर भी प्रशासनिक अमले की नींद नहीं खुली, कोई जांच नहीं की और फिर तारीख बदल दी गई। अब तारीख तय हो गई 15/3। जब 15/3 की तारीख तय हो गई और पूरी तैयारियां डही में हो चुकी, टेंट लग गया, हवन कुंड बन गए, भोजन की तैयारी बनने की चालू हो गई, सभी आदिवासी जो जोड़े हैं उन्होंने अपने परिवारों को सूचना कर दी, क्योंकि बड़ा प्रसंग है, खुशी का त्यौहार टाइप मनाते हैं परिवार जब शादी होती है। मैडम, शादी का क्राइटेरिया क्या था? मतलब 2 महीने पहले तक शादी हो गई उनके जोड़ों को अंदर लेंगे या फिर 4 महीने पहले? शादी का क्राइटेरिया तो ये है कि लड़की 18 साल की होना चाहिए, लड़का 21 साल का होना चाहिए और जो भी जोड़ा उसमें बैठ रहा है वो अविवाहित होना चाहिए। जी, इसके क्या क्राइटेरिया? जो हमने सूची लगाई थी उसमें हमने सभी से ये भी अपील करी थी कि अगर गलती से किसी जांच समिति से गलत नाम जुड़ गया है तो वो आप मुझे बता दें, तो उसका पुनः परीक्षण करके अगर पात्र है तो पात्र किया जाएगा, अपात्र है तो अपात्र किया जाएगा। कुछ अपात्रों के आए भी तो हमारे ट्रिपल एसएम अधिकारी के द्वारा उनको अपात्र किया गया। टोटल कितने जोड़े थे मैडम? टोटल अपने पास 314 जोड़े थे। नहीं, नगर परिषद नहीं, इसमें ऐसा भी हुआ है जैसे एक हमारा ग्रामीण इलाका है, हमारे क्षेत्र में परंपरा चली आ रही, लड़का लड़की को लेकर चले जाता है जी, वो जोड़ सम्मिलित क्यों किए गए? चूँकि मेरे नीचे की जो जांच स्तरीय टीम थी जो एसडीएम सर के द्वारा बनाई गई थी, उसने उस जांच में ये लिख के दिया है कि वो पूर्व से विवाहित है। आप तो ये चाहते हैं मैं उनको कम से कम जनप्रतिनिधि है, योजना का फायदा मिल जाए। आप जनप्रतिनिधि है, इस बात को आप वरिष्ठ स्तर पे उठाएंगे और वहाँ से जैसा निर्देश होगा 5-6 महीने पहले ले गए। हम आपकी भावना को समझ रहे हैं। ठीक है, साथ में पटवारी के एग्जाम है 15 से 20 तारीख तक, तो इसको बढ़ाया जाए, ये 2 प्रमुख वजह हैं। अच्छा, जिन सामग्री जो गुणवत्ता विहीन थी जी, वो अब क्या करेंगे आप? नया कदम उसके लिए क्या उठाएंगे? फिर से टेंडर करा किया जाएगा या इसी को कुछ जिनका हुआ है टेंडर उन्हीं को कुछ निर्देश दे के उस सामग्री की गुणवत्ता वाली बुलाई जाएगी? ये जो सामग्री का टेंडर है वो जनपद स्तर से नहीं हुआ था, ये जिला स्तर का टेंडर था।
तो जो भी गुणवत्ता में कमी पाई गई है उसका जो भी हमारा जांच प्रतिवेदन था वो वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो वहाँ से जो हमारे स्तर से टेंडर किए गए थे वो नियमानुसार किए गए थे जी, तो वो आगे तक लागू रहेंगे वो चूंकि ये शादी स्थगित हुई है लेकिन टेंडर जो था वो यथावत। और ये जो टेंडर जो जिले के हुए थे इसकी प्रक्रिया कैसी हुई, किस टाइप से हुई, कोई टेंडर विज्ञप्ति कुछ निकली थी क्या? ये तो जिला स्तर के ही अधिकारी तो हमें पता तो लगे कि ये क्या हुआ, किसी व्यक्तिगत किसी को दे दिया गया या इसका भी जैसे नहीं में आपने जनपद में टेंडर किए उस टाइप से इस सामग्री का भी टेंडर हुआ? यस डेफिनेटली यही प्रक्रिया अपनाई गई होगी। उसका कोई मैसेज ही नहीं है, कोई हमको अखबारों में कोई टेंडर देखने को नहीं मिला, कब हुई है प्रक्रिया क्या हुई है? आपको इस सवाल का जवाब तो जिला स्तर के अधिकारी दे पाएंगे जिन्होंने ये टेंडर प्रक्रिया करी और ये टेंडर जारी किया। मैडम अचानक आपने बोला कि सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं थी, क्या कमेटी द्वारा सामग्री चेक की गई थी? जहाँ तक हमारे नॉलेज में कोई भी टेंडर प्रोसेस होती है बड़े लेवल पे जैसे चांदी देना है तो उसकी भी आपने गुणवत्ता चेक करी होगी जी, अचानक से आप गुणवत्ता की बात कर रही हैं। जैसे सामग्री जो हमारे पास आई कल दोपहर तक ही हमको सामग्री प्राप्त हुई, तो जैसे आपने बात किया ज्वेलरी का तो उसका भी गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। जो हमको टेंडर प्राप्त हुए थे जिले से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें 70% टन चांदी की बात हुई थी लेकिन जब हमने इसका परीक्षण कराया तो केवल 46%। मैडम एकमात्र गुणवत्ता विहीन की वजह से इतने बड़े कार्यक्रम को रोकना ये कुछ उचित लग रहा है? ये वरिष्ठ स्तर पर निर्णय लिया गया और चूंकि हम जनपद स्तर के अधिकारी हैं तो वरिष्ठ स्तर का आदेश मानना पड़ेगा। अच्छा एक और है राजनीतिक व्यस्तता की वजह से जैसे फ्लेक्सो में नाम नहीं होना या ये चीज़ भी कुछ उठ के आ रही है? अभी तक ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। नहीं इनके दबाव में कभी आपने? नहीं बिल्कुल उनके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो फर्स्ट टाइम देखा गया किसी भी राजनेता के आपने जो जनपद वाले जो निकालते हैं किसी भी तरीके से नेता हैं वो सारी चीज़ों से दूर रखा गया, रीजन आपने जो निमंत्रण कार्ड दिया हाँ उसको किसी का भी नाम नहीं है किसी का भी किसी भी वेस्टर्न बोनर में रीजन नहीं उसमें सभी का है ना, सभी जनमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि सभी को आमंत्रित किया हमने, किसी का भी नाम नहीं है किसी का भी किसी भी वेस्टर्न बोनर में रीजन नहीं उसमें सभी का है ना, सभी गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि सभी को आमंत्रित किया हमने, आपने आमंत्रण दिया ऐसा पहली बार नहीं, हम पूरे एक साल से या दो साल से ऐसे ही हम छपवा रहे कार्ड जैसे यहाँ महोत्सव हुआ था। अब जनपद स्तर का जो कार्यक्रम था वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का तो उल्लेख हो सकता था, अध्यक्ष का नाम था अध्यक्ष की तरफ से ही आयोजन रखा गया था, उसमें विधायक जी का नाम नहीं हुआ। सर्वप्रथम आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, विधायक जी का नाम नहीं था और अननेसेसरी दूसरे भी राजनेता थे उनके नाम नहीं थे, कारण सभी को सभी को ये होता है कि जैसे कार्यक्रम हो रहा है उसके बाद कोई वरिष्ठ आ जाता है तो फिर वो अध्यक्ष किसको बना जाए उपाध्यक्ष किसको बना जाए ये हो जाता है ना, नाम पहले से लिखना इसीलिए अपन वो करते हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है कार्डों में विशेष अतिथि अध्यक्ष ये किसी का नाम ही नहीं है, मतलब राजनीतिक हो या समाज सेवी उनका कोई का नाम नहीं दिया, कार्ड एक सिंपल जनपद पंचायत भाई के नाम से अध्यक्ष कार्ड में हम नाम वाइज उनको दे रहे हैं जो भी आप तो बात करें सभी को इनवाइट कर रहा मुख्य अतिथि कौन होगा उसके लिए यही बताया नहीं, जैसे प्रोग्राम में हो सकता कोई कौन आने वाला ये फिक्स नहीं रहता है तो कौन आ जाए अब किसको हम विशेष अतिथि किसको मुख्य अतिथि ऐसा हो सकता किसी का नाम छूट जाए तो उसमें दिक्कत आए, सही है इसीलिए हमने पहले हो चुका है राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्यक्रम हो जाता है। दूसरा जो बना पूरी तैयारी हो गई थी टेंट वाला या भोजन की फूल तैयारियां एक दिन ये इतिहास में शायद होगा मुख्यमंत्री विवाह योजना में कि पहली बार एक दिन में चंद घंटों पहले उसको निरस्त कर दिया गया तो उनके क्या रहेगा और जो लाभार्थी थे कल उनने जो अपने अंदर एक था कि तैयारियां पूरी कर ली थी उन्होंने तो उनके विषय में क्या बोलेंगे? आए भी ना जोड़ा बहुत सा आए भी कल जो भी हमारी तैयारियां हुई थी टेंट की हुई थी भोजन की हुई थी उसका हमने आकलन किया है कि कितनी तैयारियां हुई थी और इसका लिखित भेजेंगे हम जिले में कि हमें मार्गदर्शन दिया जाए कि इसमें हम क्या करेंगे और जो जोड़े यहाँ सम्मिलित होना चाहते थे उसके लिए तो हम पूरे जनपद पंचायत को पर्सनली दुख है कि हम लोग उनके विवाह नहीं करवा पाए। गुणवत्ता सामग्री का किया जाएगा कि अभी बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
मैम ये जो साधन लग चुके हैं इनका किसी ने भी लगाया है उनके भुगतान का कैसे क्या रहेगा? साधन से आपका टेंड है। अभी मैंने आपको वही बताया कि उसका कल रात में हमने आकलन किया है अपने सब इंजीनियर के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।